Hey, what's up guys, I'm Harshit Bhatt, I'm back with a new video and आज मैं बताने वाला हूँ टॉप तीन दमदार शेयर्स जो आप दिसंबर नवंबर मिड नवंबर और दिसंबर तक होल्ड करेंगे. आज है 14th ऑफ नवंबर और कल आप ये 15th को जब मार्केट स्टार्ट होगा तब से आप इन शेयर्स को बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ये लेवल्स में हो तो इनको आप बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं. सो आज हम देखेंगे सबसे पहला स्टॉक जो श्योर शॉट मुझे लगता है कि शायद ये आपको प्रॉफिट 100% निकल के देगा. पहला स्टॉक है सनफार्मा. अभी करंट मार्केट प्राइस चालू है 410.50, 411 पकड़ते हैं हम फॉर सेफर साइड. सनफार्मा ये थोड़ा गिरता हुआ नज़र आ रहा है बहुत टाइम से, बट जो अभी जिस पोजिशन पर है आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो इतनी इसने डाउनफॉल दिखाई है अभी ये करंट मंथ के लिए दिसंबर मिड दिसंबर और 2020 तक यह यहाँ से अप मूव दिखा सकता है, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है. यहाँ पे ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, एक बार दो बार तीन बार, इसके चौथी बार इसके नीचे जा चुका है पर वापस ऊपर आ चुका है. बाद में यहाँ पर वापस नीचे जा चुका था, वापस ऊपर आया था, अभी वापस इस पोजीशन पे है. तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ये बाय द एंड ऑफ द दिसंबर ये शायद वापस ऊपर आ सकता है. सो अगर आपको बाइंग पोजीशन अभी बनाना है सो बाय एट द करंट मार्केट प्राइस 410. यहाँ पे अभी आप देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस, बाय इट नाउ एंड आपका टारगेट मैं आपको दे दूंगा ये 30 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट रखूँगा. शायद ये एक दिन में भी हो जाए, बता नहीं सकते बट आई डोंट थिंक सो एक दिन में नहीं हो जाएगा, इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है इस शेयर में. बट आई रिकमेंड कि इसको आप इतने टाइम के लिए रख सकते हो. 430 का आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 440 का. आप इसको ज़्यादा देर तक नहीं मत रखो, मैं आपको और ऊपर के टारगेट्स देने की मुझे ये क्षमता रखता है कि और ऊपर का टारगेट अचीव करे. बट ऑन अ सेफर साइड आई लाइक कि मेरे जो ट्रेडर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनका कैपिटल बहुत सेफ रहे. सो आप यहाँ पर जब 430 आएगा तब आपका 50% प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो. और मैं शायद जब ये शेयर्स इस मुकाम पे आ जाएंगे मैं वापस वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो वीडियो में आपको मिल सके अगर इसमें आप पैसा लगाने की सोच रहे हो तो. सो यहाँ पे आपको पहला टारगेट मिल जाएगा, दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे मैं दे चुका हूँ 440 का, जो ये सपोर्ट है 440 से अच्छा इसके 2 रुपये नीचे अगर लगाए तो हिट होने के ज़्यादा चांसेस है और आप मार्केट में पैसा निकाल के बाहर आराम से बैठ सकते हो. सनफार्मा ये मेरा श्योर शॉट कॉल है. कॉल मैं यूजुअली देता नहीं बट मैं अगर एक मौका है, एक एनालिसिस है, मैंने जो एनालिसिस की है कुछ दिनों से उसके हिसाब से आप सनफार्मा ज़रूर खरीदेगा. सेकंड शेयर है डाबा. सो डाबा इंडिया ये एक शेयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है. ऐसी प्राइस वापस आपको मुझे नहीं लगता कि मिलेगी. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे सपोर्ट पे है, यहाँ पे बहुत बार ये सपोर्ट को छू चुका है, यहाँ पे पहले भी ये इस सपोर्ट पे आया था, वापस यहाँ से जा चुका है. अगर हम थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें डाबा को तो डाबर अपने बहुत अच्छे मूवमेंट पे है. डाबा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ महीनों से, जून से आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छी अप मूव आई है. और भले थोड़ा डाउनफॉल आया था मार्केट में भी, थोड़ा सा डाउनफॉल आया बट शेयर संभला है, शेयर गिरा नहीं है. डाबर एक FMCG कंपनी है और आपको तो पता है कि अभी FMCG के प्रोडक्ट की थोड़ी डिमांड ये सर्दी के मौसम में बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा इस सेक्टर का शेयर चुनना पसंद किया. एनालिसिस की और देखा कि डाबर इज़ डूइंग गुड और बहुत अच्छे चार्ट्स पे दिख रहा है. अगर हम इसको थोड़े अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो ये एक शेयर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो एट द करंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस पे आप देख सकते हो इसके नीचे तो शेयर जाने से मना कर रहा है. सो अभी जो मार्केट की प्राइस चल रही है जो है 462 पे भी बाय कर सकते हो आप इसको 462 पे बाय मेरा बाइंग रिकमेंडेशन होगा.
और इसका फर्स्ट टारगेट होगा ये 474 विल बी इट्स फर्स्ट टारगेट। ये तो एक दिन में भी हो सकता है, बट मैं आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट टारगेट हिट हो, अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आप अच्छे शेयर्स उठाओगे लॉट में। आप थोड़ा सेफ ट्रेडर हो, इंट्राडे वाले थोड़े रिस्की ट्रेड लेते हैं, ये थोड़ा सेफ ट्रेडिंग के लिए हिसाब से देखा जाए तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा 14 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट मैं आपको दूँ तो रहेगा अपना ये नीचे, ये क्लियर रेजिस्टेंस 479.28। इससे अच्छा अपन 478.5 का टारगेट पकड़ते हैं बिकॉज दैट विल बी मोर चांसेस ऑफ हिटिंग इट। यह है दूसरा टारगेट। और तीसरा टारगेट अगर आपको दूँ तो ये रहेगा 485 का टारगेट। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो आप आपके थोड़ा सेफ खेलिएगा, आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है, आपके पास बहुत से शेयर आपने लेके रखे हैं, सो आप थोड़े शेयर्स वहाँ पे निकाल भी सकते हो, बाकी शेयर्स कंटिन्यू कर दीजिए। थोड़ा भी गिरता हुआ नज़र आए कम्प्लीटली निकाल दीजिए लीजिएगा। सो जैसे बोला है मैंने तीन टारगेट दिए आपको, तीन टारगेट को ध्यान रख लीजिएगा। और ये एक शेयर है जो बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है, यहाँ से 100% श्योर शॉट बाय का रिकमेंडेशन देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे शेयर के ऊपर जो आपका सबका चहेता रिलायंस। रिलायंस के जो नतीजे आए हैं अच्छे आए हैं, अच्छे खासे आए हैं। और रिलायंस आपको आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रहा है। इसको कंसोलिडेशन को कभी भी अच्छी नहीं बोलता मैं, आई हेट कंसोलिडेशन, बहुत हेट करता हूँ क्योंकि ठीक से पैसा नहीं बन पाता, बहुत रिस्की हो जाता है। और आप देख सकते हो कंसोलिडेशन में ही बहुत टाइम से है और अभी आज अचानक से इसमें जो डाउनफॉल आया है थोड़ा अजीब था। तो कल देखिएगा, कल थोड़ा मार्केट सेटल होता है क्या, अगर ये नीचे आता है कल अगर ये नीचे आता है तो मेरा बाइंग रिकमेंडेशन होगा ये 1452 मेरी बाइंग रिकमेंडेशन होगी। और या तो ये CMP पे भी बाय सकते हो, 1458 पे भी आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो। बस 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 8 रुपीज़ का डिफरेंस है, बट 8 रुपये भी बहुत हो जाते हैं। और मैं इसका फर्स्ट टारगेट आपको दूंगा 1474, फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका। सेकंड टारगेट रहेगा इसका ये 1779, यह है इसका रहेगा इसका सेकंड टारगेट। इसके ऊपर चूके दो बार नीचे आ चुका है, सो इसके ऊपर जाना बहुत टाइम लगेगा थोड़ा। सो आई रिकमेंड कि ये दो टारगेट ही रखिएगा, प्ले सेफ, डोंट रिस्क इट मोर। सो सेकंड टारगेट पे हिट होते ही आप मार्केट से निकल जाइएगा, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक मत रखिएगा, बस आपके ऑर्डर बुक में छोड़ दीजिएगा इसको टारगेट अचीव करना। ऑटोमेटिकली जब हिट हो जाएगा प्रॉफिट निकाल के बाहर बैठ जाओगे, आप सो रहे होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा आप पैसा कमा के बैठे हो। इसलिए थोड़ा इसमें सेव कीजिएगा। और इसमें तीनों में भी मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया क्योंकि स्टॉप लॉस मैं दूंगा अभी, आई वॉन्ट यू टू वॉच द होल का वीडियो कम्प्लीटली। वेल सो यहाँ पे अभी हम देंगे आपको स्टॉप लॉस। सो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है या यहीं पे यहाँ पे बाय किया है, मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा इसके क्लियर ये सपोर्ट का। ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस 1444 आपका रहेगा स्टॉप लॉस। बट मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस हिट होके नीचे नहीं जाएगा, स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाएगा। सो देर आर मोर चांसेस ऑफ गोइंग इट अपवर्ड्स दैन गोइंग इट डाउनवर्ड्स। सो मैं कहूँगा कि आप इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से खेलिएगा। यहाँ से ये रिजेक्शन कर रहा है नीचे जाना, सो अगर चाहे तो आपको ये मैं कल भी 5 दिन में इसका एनालिसिस वापस दे दूँगा कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है और इसको इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा या नहीं। वेल सो यहाँ पे डाबा का मैं स्टॉप लॉस देना भूल गया, सो डाबा का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा ये 457 रहेगा टाबर का स्टॉप लॉस। और सन फार्मा का अगर स्टॉप लॉस देखे तो ये रहेगा सन फार्मा का स्टॉप लॉस 406.3, ये रहेगा सन फार्मा का स्टॉप लॉस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छे ऐसे अच्छे खासे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ये स्टॉक के एनालिसिस देता रहूँगा कि हमने फॉर एग्जांपल अगर 100 शेयर्स लिए तो 10 दिन में कितने कमाए, 20 दिन में कितने कमाए, 1 महीने में कितने कमाए।
ऐसे वीडियोस और वीडियोस के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 10 दिन के बाद मैं ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स डालता रहूँगा, इसलिए अगर कोई भी वीडियो ना मिस करने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है तो इंट्राडे के एनालिसिस भी देता हूँ मैं। सो आप थोड़े से पैसे लेके, भले ही आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बट आप थोड़े से, एकदम थोड़े से पैसे लेके अभी इंट्राडे सीख सकते हो। इंट्राडे से फ़ायदा ये होगा कि आप ट्रेडिंग अच्छे खासे सीख जाओगे। So that's it for today. This video helped you, don't forget to press the like button, and for amazing videos, subscribe to my channel. So, I'll see you next time.